29 नवंबर को न्यूयॉर्क की ओर से एक चार्जशीट सामने आती है जिसमें अमेरिका में हुई खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर लगाया जाता है। रिपोर्ट में लिखा गया, भारत के पूर्व सीआरपीएफ अफसर ने उसे पन्नू की हत्या की प्लानिंग करने के लिए कहा था। आगे चार्जशीट में सामने आया कि निखिल ने भारतीय अफसरों के कहने पर एक अपराधी से पन्नू के मर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन असली में वो एक अपराधी नहीं था, वो एक अमेरिकी एजेंट था। इस एजेंट ने निखिल की पहचान एक अंडरकवर अधिकारी से कराई जिसने उसे पन्नू का मर्डर करने के लिए कहा। बता दें, ये डील पन्नू और अमेरिकी एजेंट के बीच करीब 83 लाख रुपए में हुई। तो वही दूसरी ओर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी पन्नू का कहना है कि ना तो वो निखिल गुप्ता को जानता है और ना ही उस भारतीय अफसर को जिस पर हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। पन्नू ने कहा, हम बहादुरों के घर और आजाद वतन अमेरिका में रहते हैं, मुझे कोई मौत का डर नहीं है और मुझे मार देने से भी खालिस्तान की मांग पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो वही दूसरी ओर भारतवंशी सांसदों की तरफ से एक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया, हमारा मानना है कि अमेरिका और भारत के बीच हुई साझेदारी ने दोनों देशों के लोगों के जीवन पर सार्थक प्रभाव डाला है, लेकिन हमें चिंता है कि अगर समस्याएं समय रहते हल नहीं की गई तो इससे साझेदारी को नुकसान पहुंच सकता है। बता दें, जून 2023 में पीएम मोदी ने जब अमेरिका का दौरा किया था उसके बाद ही अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के सामने ये मुद्दा उठाया था। इस बात का खुलासा 22 नवंबर 2023 को पब्लिश हुई फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ था। तो वही दूसरी ओर भारत सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसमें जांच के नतीजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।